कि कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन को हम सिर्फ एक सेकेंड में बना के देखेंगे। आपका इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में अगर निकल के आता है साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स के फॉर्म में आता रहता है, तो अगर उसका लिमिट जीरो से पाई है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सिद्ध होगा। आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई मॉड कॉस एक्स या इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स है, जीरो से पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताइए तो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अपॉन टू वाई माइनस क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन निकल। गुड मॉर्निंग, आज हम कैलकुलस के एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन को हम सिर्फ एक सेकेंड में बना के देखेंगे कि अगर कोई इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है तो उसको एक सेकेंड में हम कैसे बनाएंगे, एक से दो सेकेंड मेरे पास लगेगा। सबसे पहला ट्रिक्स पे हम चलते हैं, पहला शॉर्टकट पे चलते हैं। पहला शॉर्टकट क्या करता कि अगर आपका इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स के फॉर्म में, अगर आपका इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में अगर निकल के आता है साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स के फॉर्म में आता रहता है, तो अगर उसका लिमिट जीरो से पाई है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सिद्ध होगा। अगर आपका ए माइनस बी का डिफरेंस अगर इवेन है तो उसका आंसर जीरो, अगर ए माइनस बी का डिफरेंस ऑड है तो उसका आंसर टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हम एक क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन स्ट्रीट पे कि क्या आएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है जीरो से पाई साइन फोर एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देखेंगे। यह ए है, ये मेरा बी है, इसका आंसर ये मेरा ए है बी है, दोनों का डिफरेंस वन जो कि ऑड नंबर है, मेरा आंसर हो जाएगा टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या कि टू मल्टीप्लीकेशन फोर अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा एट अपॉन सोलह माइनस नौ सेवन। देखिए एक सेकेंड में मेरा आंसर आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको टू इंटू फाइव अपॉन फाइव का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। मतलब क्या गया दस अपॉन पच्चीस माइनस सोलह नौ, मेरा दस अपॉन नौ हो गया। इसी टाइप का आपका ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा सेवन इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन सेवन एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंस देखेंगे सेवन माइनस फाइव टू जो कि एक इवन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा मेरा जीरो। आप उस ट्रिक का यूज किए, उस ट्रिक से ये मेरा जीरो आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फोर है, आप हमको बताइएगा इसका आंसर क्या है। सेम उसी तरह से इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या है। हम ट्रिक नंबर टू पे चलते हैं, ट्रिक नंबर टू पे कि क्या है। अगर आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई मॉड कॉस एक्स या इंटीग्रेशन ए पाई से बी पाई मॉड, यहाँ पे ये साइन एक्स है मॉड साइन एक्स है, इसका आंसर डायरेक्ट में भी टू इंटू अपर ए माइनस बी, मतलब कि अपर का कोफिशियंट इंटू लोअर का कोफिशियंट, ए बी माइनस ए मेरा आंसर हो जाएगा टू अपर कोफिशियंट और पाई माइनस लोअर लिमिट का पाई का कोफिशियंट जो होगा वो आंसर आ जाएगा। हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे, मेरा क्या होगा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक पे चलते हैं, ये बोला इंटीग्रेशन पाई से फोर पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा टू अपर का पाई का कोफिशिएंट क्या है फोर और नीचे में कितना वन, आंसर आपका आ गया सिक्स। सेकेंड देखते हैं मेरा क्या हो जाएगा टू आपको फोर माइनस थ्री, आंसर मेरा आ गया टू।
थर्ड टाइप क्या है, आंसर क्या रहेगा, 2 इंटू 10 माइनस 5, आंसर 10। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीन क्वेश्चन बचा, आप हमको इसका आंसर बताइएगा कि क्या होता है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है। हम शॉर्टकट नंबर 3 पे चलते हैं कि क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में काउंट आता है, इसका नाम रिडक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं इसको, कि क्या, कि अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एनएक्स डीएक्स है, 0 से पाई बाई 2 साइन एनएक्स डीएक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 अपॉन ए, एन माइनस 3 अपॉन एन माइनस 2 डॉट 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 3/4 1/2 इंटू पाई बाई 2। अगर कब पाई बाई 2 होगा, जब एन इवेंट रहेगा तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एन इवेंट नंबर नहीं है, ऑड है, तो उसका लास्ट टर्म 2/3 पे आगे छोड़ देगा। सेम प्रोसेस कॉस एनएक्स के लिए भी यही होता है, साइन एनएक्स के लिए भी यही है, कॉस एनएक्स के लिए भी यही है। हम इसको देखेंगे, एक क्वेश्चन हम देखते हैं पहले क्या, कि अगर मेरा लिमिट दिया 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डीएक्स दिया, एन बराबर यहाँ पे क्या है, ऑड है, मतलब कि पाई बाई 2 तो मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, जो टर्म है एन बराबर हमको दिया हुआ है क्या 3, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, 2/3, एक एन से कम ऊपर में लिखते हैं और जो एन रहता है वो नीचे पे लिखते हैं। ये इवेन है, ये आपका ऑड है, ये 2/3 पे आ गया, इसका आंसर 2/3 हो गया, इसका आंसर 2/3। हम और इवेन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इवेन का क्या होता है। तो ये 4 है, तो नीचे में हम 4 डालें, इसके ऊपर एक कम होता है 3, अब ये दोनों में से दो दो कम करेंगे, इसमें से दो करें कम करेंगे तो 1, इसमें से दो कम करेंगे तो 2, और अगर ये इवेन है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इससे पाई बाई 2 से, मेरा आंसर आ गया 3 पाई बाई 4 2 8 2 16, 3 पाई बाई 16, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि थर्ड का आंसर क्या होता है। आप थर्ड और फोर्थ हमको आंसर बताइएगा कि क्या होता है, साइन का आप बता दीजिए, एक थर्ड और फोर्थ का आप हमको आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। हम कॉस का एक लेके चलते हैं, कॉस का तो हम पहले कॉस का 5 और 6 नंबर आप हमको बताइएगा, क्योंकि साइन क्यू और कॉस, साइन क्यू और साइन फोर का हम वैल्यू उसमें बताए थे, इसमें हम आपको बताएंगे कॉस 5 और कॉस 6 का आंसर क्या होता है। वो दो क्वेश्चन ऊपर का है, तो 4 क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। हम इसका आंसर देखेंगे कि क्या होता है। ये कॉस 5 एक्स डीएक्स है, ये आपका कॉस 5 पावर में 5 है, 5 मेरा क्या और नंबर है, और नंबर है, इसका मतलब कि इसको मैं पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आंसर क्या रहेगा, जो नंबर है उसको लिखो 5, इससे एक कौन कौन नंबर होगा 4 इंटू, अब सब में से दो दो सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाओ, दो की जगह ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, और नंबर है और नंबर 2/3 पे आके रुक जाता है, मेरा आंसर हो गया 8/50, क्या गया 8/50। अब ये इसका चलते, ये मेरा इवेन नंबर है, क्या है इवेन नंबर है, हम इसको जो नंबर है इसको पहले अपॉन में लिखते हैं 6, इससे एक कम नंबर 5, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो दो नंबर कम करते हैं, क्या करते हैं, दो दो नंबर कम करते हैं, 5 में से दो नंबर कम करेंगे 3, 4 6 में से दो नंबर कम करेंगे 4, इसमें से दो नंबर करेंगे 1, इसमें से दो नंबर करेंगे 2, और ये इवेन है तो 5/2 से गुणा हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 15 पाई अपॉन 6 तो 24 गुना 48 गुना 96 मतलब 96, ये मेरा आंसर आ गया। ये ट्रिक आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आप इजी से मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में आप इसका आंसर बना सकते हैं, 1 से 2 सेकंड ही लगेगा, अगर आपको ये 1 से 2 सेकंड लगता है तो आप ये 4 क्वेश्चन का आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नंबरिंग दीजिएगा, रिडक्शन से साथ दीजिएगा, रिडक्शन का प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 का उसका आंसर क्या है वो हम लोग जानेंगे।
उसमें अभी बहुत सारा ट्रिक है, ये तो अभी ट्रिक नंबर 3 पे ही है। मेरे पास अभी 8 ट्रिक है, हम 8 ट्रिक को ही देखेंगे। मेरे पास इजी से इजी वे में 1 से 2 सेकंड में हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा आपको डिफरेंशिएशन आगे मिलेगा जिसको आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए ट्रिक नंबर 3 आने ही वाला है, ये ट्रिक नंबर 3 था, ट्रिक नंबर 4 आने ही वाला है, 4 आ चुका है। ये टाइप का क्वेश्चन हमेशा देख के ही स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसलिए किस टाइप का क्वेश्चन है करने का मतलब क्या कि आपको क्वेश्चन देगा कि इफ y इक्वल्स टू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 इनफिनिटी, ये टाइप का है। इसका बोलेगा कि dy by dx निकाल के बताइए। इस क्वेश्चन को अगर आपको बोलेगा dy by dx निकाल के बताइए तो हम इसका dy by dx लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन अपॉन 2y माइनस 1, ये लिखेंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेंगे, अगर आएंगे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, उसमें इस सारे ट्रिक को हम प्रूव भी करेंगे, ये ट्रिक आया कहां से है उसी का यूज करेंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या कि अगर हम मेरे पास दिया इफ वाई इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफिनिटी, इसका बोला कि dy by dx का वैल्यू हमको बताइए कि क्या होगा। फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, ये हम क्या बोले थे साइन एक्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन में मेरा 2y माइनस 1 मेरा आंसर आ गया। मुश्किल से कितना सेकंड लगा लिखने में, जो 1 से 2 सेकंड लगा वो मेरा लगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है मेरा। सिर्फ हमको इस ट्रिक को याद करना है, अगर ये ट्रिक याद हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्या कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी टर्म तक है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालने जाएंगे तो समय मेरे पास लगेगा। तो इसका हमको मालूम है जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2y माइनस 1, ये मेरा आंसर ऐसा। ये ठीक है, यूज कीजिए, आपको डिफरेंशिएशन क्या बहुत ही इजी लगने लगेगा, खासकर उनके लिए जो जेई मेंस नीम सेट वगैरह ये सब तैयारी या कोई भी एनसीए एंट्रेंस का तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। या आप डिफरेंशिएशन कोई भी पढ़ते हैं PQ या AQ, उनमें ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, समय का बचत होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर x टू द पावर 5 रूट अंडर x टू द पावर 5 रूट अंडर x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर क्या होगा हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये ट्रिक हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी ट्रिक कम है, अभी ट्रिक मेरे पास बहुत सारा है। हम ट्रिक के नंबर 5 पे चलते हैं क्या, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा किस टाइप का, एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। मतलब कि इफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस नहीं डॉट 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 इनफिनिटी, मतलब कि क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो इसका आंसर क्या होगा वो हम जानेंगे। इसका आंसर होगा dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन, या इसी चीज को लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log f of x डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन, ये हम ट्रिक का यूज करेंगे और क्वेश्चन मेरा इजी से बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला कि y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर, ये टर्म जो है वो इनफिनिटी तक जाता है, इसका आंसर क्या होगा। अभी हम जस्ट इसका dy by dx बताए कि क्या होगा, ये होगा y स्क्वायर अपॉन y by 1 माइनस log y इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में फंक्शन
एक्स, ये मेरा आंसर, मतलब ये आ गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स वन माइनस लॉग वाई, मेरा आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फंक्शन हमको दे दिया क्या कि साइन एक्स टू दी पावर, साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स डॉट 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 डॉट, ये इनफिनिटी तक है ये क्वेश्चन। अब इसका डिवाइडेशन है क्या वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग वाई इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन का, साइन एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन में फंक्शन साइन एक्स, मेरा आंसर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग वाई, ये मेरा डिफरेंशिएशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है ये, कि एक cos x टू दी पावर cos x, cos x से पावर में cos x, cos x से पावर में cos x, ये cos x कहां तक जा रहा, इनफिनिटी तक जा रहा, तो इसका dy by dx का वैल्यू बताइए। अभी और ट्रिक है, ट्रिक कमा नहीं है, ट्रिक पे हम चलते हैं, ट्रिक नंबर सिक्स के पास आते हैं। ये ट्रिक क्या करता है कि अगर आपका कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब कि एक्स वाई साथ में उसको अलग आप नहीं कर सकते हैं, उसका डीवाई बाई डीएक्स बताइए, आप इसको ईबी लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका आंसर हम बता सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आया, एक नंबर क्वेश्चन आया क्या कि एक्स वाई प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स बताइए, तो माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब भी पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराए तो वाई को कॉन्स्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट, एक्स वाई में वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, आपका वाई बाहर आ गया, वाई है वाई कॉन्स्टेंट है, अगर अकेले है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का क्या हो गया वन फोर का जीरो अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई से करेंगे अब विथ रिस्पेक्ट टू, तो एक्स कॉन्स्टेंट मानेंगे तो इसका वाई का वन एक्स का वन प्लस वाई का आपका वन और एक्स का जीरो फोर का भी जीरो, मतलब आंसर आपको आ गया माइनस वाई प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ये मेरा आंसर कर रहा है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है क्या कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस नाइन स्क्वायर टू जीरो है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी जस्ट बताया इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम इसको इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, वाई का अकेले है तो जीरो, नहीं का जीरो अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आएगा टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वन, और इसमें क्या लगा देंगे माइनस, ये मेरा आंसर कर लगाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व आप लॉन्ग लेक्चर से जाइएगा, दो से तीन चार मिनट ले लेगा, लेकिन इसको आप दो से तीन सेकंड में आप बना सकते। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक के साथ चलते हैं, ट्रिक नंबर सेवन, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है क्या कि अगर आपका कोई डी फंक्शन दिया हुआ है क्या a f of x plus b upon c x plus d के फॉर्म में है, a f of x प्लस बी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी के फॉर्म में है, और इसको बोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए बी सी डी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन,
या आईसीटी को आप ये लिख सकते हैं, आप स्ट्रिप को इस तरह से लिख सकते हैं, एटी माइनस बी सी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ये आप यूज करके लिख सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखेंगे। छह पच्चीस तीस माइनस बारह, तीस माइनस बारह अठारह अपॉन डिनोमिनेटर थ्री एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, आंसर हो गया एटीन अपॉन थ्री एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। आप इसको जाइएगा सॉल्व करने, u बाई v लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके जो टर्म कटेगा काटिएगा, फिर आंसर को लिखिएगा, उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी से दो सेकंड लग रहा है, इसमें आंसर मेरे पास निकल के आ रहा है। तीसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका कि क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x + 5 अपॉन 3 sin x + 4, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो ए डी माइनस बी सी, चार चौक सोलह माइनस पंद्रह कितना वन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर थ्री साइन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का फंक्शन कॉस एक्स, आंसर क्या आ गया कॉस एक्स अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री कॉस एक्स प्लस टू है, ये इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है, क्योंकि दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप कीजिए, हमको आंसर बताइए कि क्या होता है। अगर आपको ऐसे ही ठीक चाहिए तो आगे बने रहिए। ट्रिक नंबर एट लेके आ गए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अगर आपका y इक्वल टू m टू दी पावर n है, क्या है m टू दी पावर n के फॉर्म में है, जहां m और n एक फंक्शन है, ये f ऑफ x फंक्शन है, n जो है वो g ऑफ x फंक्शन है, ये दिया हुआ, इसका पूछ रहा है डीवाई बाई डीएक्स होगा, तो m टू दी पावर n इंटू n अपॉन m डिफरेंशिएशन ऑफ m प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ n इंटू log n, ये मेरा आंसर कहलाएगा। हम इसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का देखेंगे, क्वेश्चन दिया साइन एक्स के पावर में क्या कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बोला कि डीवाई बाई डीएक्स बताइए कि क्या होगा, एम के पावर एम तो ये यही रहेगा, साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स ये तो रहेगा, इंटू एन बाई एम, एन बाई एम मतलब क्या कि कॉस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एम, एम मेरा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस एम का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है आपको माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एम, लॉग एम मेरा है साइन एक्स, मेंशन मेरा आ गया क्या साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये मेरा आंसर है। ये थोड़ा लंबा है, ये याद करना होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है साइन एक्स टू पावर टेन एक्स, इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, इसका आंसर क्या होता है, ये आपका एम, ये आपका एन, इसका डिवाइड बाय डीएक्स होता है लॉग एक्स के पावर में कॉस एक्स इंटू एन बाई एम कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू, हम डिफ्रेंशिएट जो करते हैं वो किसका पहले करते हैं, हम डिफरेंशिएट एम का करते हैं, एम का डिफरेंशिएशन मतलब कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस एम का डिफरेंशिएशन
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x इंटू log log x, मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा log x टू दी पावर cos x cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log log x, ये मेरा आंसर था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आया, इसी टाइप को वीडियो को आपको देखना है तो आप इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और सब बहुत सारा सब्जेक्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक साथ में सब्सक्राइब और साथ में जो आपके दोस्त नीम से या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 11th 12th के तरीके उनके साथ शेयर जरूर करें, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।